पीपल्स पार्टी बरतानिया स्टोक के मुतारक रहनुमा राजा समी का बरतानिया से वतन आमद पर पीपल्स पार्टी के जियालू ने गुलपर रावलपिंडी पुल के मकाम पर डोल बाजू के साथ फूलों की पत्तियां निछावर करके शनवाज यासिन और राजा समी का शानदार इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी यूनियन कौंसिल थरोची के सदर राजा शुकुर के भाई राजा समी का बरतानिया से वतन आमद पर गुलपर रावलपिंडी पुल पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी मोहम्मद यासिन के सबजादे शनवाज यासिन भी राजा समी के अमरा इस्लामाबाद से चंग परखवास के लिए तशरीफ लाए। गुलपर से गाड़ियों के बड़े काफिले की शक्ल में घर लाया गया। इस मौके पर शनवाज यासिन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुनों को इज्जत दी है, हम राजा शुकुर और राजा समी के साथ हैं, उनको कभी मायूसी नहीं होगी। इस मौके पर चेयरमैन गुलपठान राजा पन्नू खान, इमरान करीम चौधरी, चौधरी कमर और दीगर ने खिताब में कहा कि हम राजा समी को वतन आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। आपका खानदान हमेशा सियासत के अलावा इलाके के फलाही कामों में सरपरस्त होता है। राजा समी और राजा शुकुर ने कहा कि हम सदर पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासिन के शाना बशाना खड़े हैं और जिंदगी के आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने वतन आमद पर इतनी इज्जत बख्शी और हमें अपना मकरूज कर दिया। हम यकीन दिलाते हैं कि आवाम के मसाइल के हाल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है राजा समी साहब के पाकिस्तान आने की खुशी में, ये पीपल्स पार्टी का एक वर्कर आया है, तो आपने देख लिया है कि ये किस तरह पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं यूनियन कौंसिल थरोची के, वो किस तरह अपने खुशी के आलम में थे। तो जब हमारा लीडर आता है तो तब भी आप देखते हैं कि कैसे आता है। तो दूसरी बात यह है कि ये राजा समी साहब पीपल्स पार्टी में आए हैं, जब से आए ये बरतानिया में थे तो पहली बार पाकिस्तान आए, हम इनको वेलकम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जब भी किसी भी पार्टी में रहे, पहले नून लीग में रहे, तब भी ये गांव के लिए और अपने इलाके के लिए बहुत अच्छी सोच रखते रहे। एक दफ़ा मैं इन्होंने यूके से कॉल की कि राजा इकबाल साहब हमारे घर आ रहे हैं, आप चाहें अपने इलाके के मसले मसाइल बताएं। मैं इधर इनके घर आया था। आज कुछ लोग तो शायद सोच रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी में इसलिए आए हैं, हम तो इसलिए इनके आगे आए हैं, ये तो एक अलग बात है पीपल्स पार्टी की। तो दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में जब भी कोई मसला होता है हम इनको कॉल करते हैं। मैं एज ए तालीमी कमेटी सदर चमकर ख्वास स्कूल का, जब हमने काम शुरू किया तो हमने इनको कॉल की, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया। वो काम हमारा शुरू है, और भी कोई मसला होता है तो ये हमारे साथ खड़े होते हैं। और हमारे चमकर ख्वास के जितने भी लोग हैं, तमाम बरादरियाँ यूरोप में जो रहती हैं, वो सब का इस चैनल की वसारत से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जब भी हम कॉल करते हैं वो हमारे साथ तावन करते हैं। तो लिहाजा एक दिन हम इस पे प्रोग्राम करेंगे पूरा स्कूल के हवाले से, तो सब के नाम लूँगा। और फिल वक्त मैं राजा समी साहब का आज के घर आने पर उनको मुबारक और खुश आमदेद कहता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। समी साहब के लिए जो इस्तकबालिया प्रोग्राम था, मैं राजा समी साहब को यूके से जो पीपल पार्टी में शामिल हुए थे, शामिल होने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मैं उनको पाकिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह वो पहले भी अपने इलाके के लिए काम करते थे, पीपल्स पार्टी में भी रहकर अपने इलाके के लिए, अपने गाँव के लिए मज़ीद काम करेंगे। और मैं जितने भी आज जियाले यहाँ पर तशरीफ़ लाए, शानवाज़ यासिन चौधरी साहब तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा समी साहब को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारे इलाके के एक मुतहरिक सियासी कारकुन हैं और पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं। ये फलाही कामों में सबसे आगे होते हैं और सियासत में भी इनका बहुत अच्छा किरदार है। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ और पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर वेलकम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूनियन कौंसिल थरोची के तमाम जियालों, पीपल्स पार्टी के जान नसारों, बिलखसूस चौधरी मोहम्मद यासिन साहब, उनके फरजंद चौधरी शानवाज साहब, चौधरी आमर साहब और राजा गुलपठान साहब और जितने भी दिगर मेहमान जो आज मेरे यूके से आने पे जिन्होंने मुझे पुरजोश वेलकम किया, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका मशकूर और ममनून हूँ। इंशाअल्लाह चौधरी यासिन साहब की क़यादत में, सरपरस्ती में यूनियन कौंसिल थरोची इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ बनेगी
और यहाँ पे हर घर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराएगा। जहाँ लोग ये कहते थे कि चौधरी यासीन साहब बरादरी इज़्म करते हैं और राजपूतों को इज़्ज़त नहीं देते, मैं आज उनको ये कहना चाहता हूँ कि आएँ और देखें मैं भी एक राजपूत हूँ और मंगरार राजपूत हूँ। जो इज़्ज़त मुझे इन्होंने दी, मैं इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी इनकी ये कर्ज़दार रहूँगा और सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इनके शाना बशाना खड़ा रहूँगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियालों की मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो मैं आज इज़्ज़त दी है, उन्होंने तो सच्ची बात है कि हमें हमेशा के लिए ख़रीद लिया है। हम नून लीग में 20 साल हमने गुजारे। बेस बुनियादी तौर पर हमारी जो बुनियादी जमात थी हमारे अबा अजदाद की, वो पीपल्स पार्टी थी। 2001 में 2001 से लेकर 2022-21 तक हम पीपल्स पार्टी नून लीग मुस्लिम लीग नून में रहे और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे। पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, बाद में हम नून लीग बनी। लेकिन सच्ची बात है, वहाँ जो नून लीग और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कारकुन थे वो हमारी टांगें खींचा करते थे। हम पीपल्स पार्टी में आए, जो पीपल्स पार्टी के कारकुन और जाले इन्होंने आज से बढ़कर हमारी इज्जत में इज्जत दिया। और जो पीपल्स पार्टी के कायद आज़ाद कश्मीर के जो कायद हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उन्होंने बेपनाह इज्जत दी है। ठीक है, सच्ची बात है कि लोग कहते थे कि पता नहीं, पहले हम जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नून लीग में हुआ करते थे तो जो बरादरी इज़्म की जो बात चल रही थी कि वो चौधरी यासीन साहब जाट बरादरी से हैं और आप हम राजपूत बरादरी से हैं और वो उन राजपूतों को इज़्ज़त नहीं देते, जाट बरादरी को इज़्ज़त देते हैं। मैं जो इस आपकी वसादत से जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में और नून लीग में हैं, जो ये सोचकर उसमें रह रहे हैं कि हमें वहाँ इज़्ज़त नहीं मिलेगी, मैं उनको आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और चौधरी मोहम्मद यासीन साहब इतनी इज़्ज़त देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया के काम टूटी नलका सड़कें ये होती रहती हैं, ये किसी का हो जाता है किसी का रह जाता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये होते रहते हैं काम। काम तो चौधरी यासीन साहब ने बेशुमार करवाए, ये आपको भी पता है हमें भी पता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो बात है इज़्ज़त की, चौधरी यासीन साहब से बढ़कर ना कोई इज़्ज़त दे सकता है ना किसी ने दी है। चौधरी मोहम्मद शाहनवाज और राजा गुल पठान और राजा पुन्नू साहब और जितने भी पीपल्स पार्टी के कारकुनान आज जो हमारे यहाँ जमा हुए हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ और नदीम भाई मैं आपका भी बहुत मशहूर हूँ। और जिन जिन लोगों ने आज यहाँ पर शिरकत की मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इन्हीं अल्फाज़ बहुत ज़्यादा चाहता हूँ।